नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी के टर्म्स जो कि रिलेटेड है डिसीज़ से संबंधित हैं, कुछ शब्द बीमारी से संबंधित। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैलेडी या डिसीज़ या कुछ मेडिसिन से संबंधित वर्ड हो सकते हैं। तो चलते हम लोग पढ़ते हैं। जैसे और ये जानते हैं आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं या कभी भी क्लोजेस्ट वगैरह में भरने को आ सकते हैं। अच्छे वर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मैंने पहला शब्द लिखा हुआ है अनीमिया। खास शब्द है, बिल्कुल आसान सा शब्द, जानते हैं आप अनीमिया का मतलब। स्टेटमेंट कैसे आता है, तो डिफिशेंसी ऑफ ब्लड है, खून की कमी या ब्लड की कमी की वजह से जो रोग होता है उसको हम अनीमिया बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। उस तरह से और भी शब्द हैं, जैसे देखिए दूसरा वाला आप देख रहे हैं अमनेसिया। तो मैंने अमनेसिया से संबंधित और भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये लॉस ऑफ मेमोरी के टर्म्स हैं। अमनेसिया है, उसके नीचे डिमेंशिया दिया हुआ है और एक अल्जीमर दिया हुआ है। तो जैसे अमनेसिया है, लॉस ऑफ मेमोरी इन एनी स्टेज ऑफ एज हो सकता है या लाइफ हो सकता है। तो इसमें अमनेसिया में लोग भूल जाते हैं कि वो मेमोरी याद नहीं रहता उनको, इस तरह की बीमारी को हम अमनेसिया बोलते हैं। लेकिन डिमेंशिया भी उसी तरह का एक बीमारी है जिसमें भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये एक सीरियस, उसमें स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी या लेजेंस। तो जब सर पे या ब्रेन में चोट लग जाने की वजह से या लेजेंस मतलब घाव हो जाने की वजह से जब हमको याद नहीं रहता किसी भी चीज़ के बारे में अक्सर, तो वो डिमेंशिया होता है। एक्चुअली जैसे फिल्मों में होता है, दिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के सर पे चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है और इस तरह से जो वर्ड आता है आपका वो डिमेंशिया होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा उस तरह का। उसी तरीके से आप अल्जीमर एक वर्ड है, उसके नीचे दिया हुआ है अल्जीमर लॉस ऑफ मेमोरी स्पेशली इन ओल्ड एज। तो ये जब व्यक्ति थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, 50 या 55 या 60 साल का, तब उसको अल्जीमर रोग होने लगता है। उसमें भी वो चीज़ें भूल जाता है, चीज़ें एक्चुअली वो कहाँ रखता है भूल जाता है। ये जनरली लोगों को होता है, तो उसको हम अल्जीमर बोलते हैं। तो ये जब भी किसी भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आते हैं तो अमनेसिया, डिमेंशिया या अल्जीमर, इस तरह के तीनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। कभी कभार स्टेटमेंट एकदम क्लियर हमारे एग्ज़ाम में आता है। जब नहीं सारे वर्ड होंगे तो एक ही मिलेगा आपको अमनेसिया, लेकिन डिमेंशिया और अल्जीमर में फ़र्क है जो कि मैंने बताया आपको। उसके बाद में ये लॉस ऑफ मेमोरी से संबंधित कुछ तीन शब्द थे। उसके बाद आप देखेंगे अल्जीमर के नीचे वर्ड दिया है मैंने अलेक्सिया। तो अब अलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और अबुलिया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें ब्रेन का डिसफंक्शन होता है, रीडिंग राइटिंग या लर्निंग डिसऑर्डर्स कुछ हैं। तो उनमें अलग अलग शब्द हैं। जैसे पहला लिया है इसमें अलेक्सिया, तो अलेक्सिया में लिखा इनएबिलिटी टू रीड कॉज्ड बाय ब्रेन लेजेंस। उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वर्ड ब्लाइंडनेस भी लिखा हुआ है। तो इसमें जब किसी व्यक्ति का जो ब्रेन डिसफंक्शन होता है उसमें वो शब्दों को एक्चुअली पढ़ नहीं पाता सही तरीके से, तो उसको वर्ड ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं और उसको अलेक्सिया भी बोलते हैं। इसी तरीके से डिसग्राफिया में ग्राफ से संबंधित है, लिखावट से संबंधित है। तो जब वो सही लिख नहीं पाता, अक्षरों को पेयर नहीं बना पाता या कोई भी शब्द या कोई भी लेटर कैसे लिखा जाता है, तो उस चीज़ को वो सही तरीके से लिख नहीं पाता। ऐसा आप फिल्म में देखा होगा, एक तारे जमी पर एक मूवी थी उसमें। तो हालांकि उसको हम डिसलेक्सिया एक होल वर्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये शब्द अलग अलग हैं। डिसग्राफिया में राइटिंग का इशू होता है, ब्रेन का डिसफंक्शन है तो वो लिख नहीं पाते। उसके बाद में डिसलेक्सिया दिया हुआ है, लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पर है कि जो पूरा ही लर्निंग डिसऑर्डर याद करने में वो उसी में आ जाता है, लिखने का, पढ़ने का, इस तरह का। उसके बाद में लास्ट का मतलब यहाँ पर डिसलेक्सिया के नीचे अबुलिया है। ये सब भी काफ़ी चर्चित है, हमारे एग्ज़ाम्स में आता है कभी कभार, एसएससी वगैरह के, डिफेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स में। अबुलिया में है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू एक्ट और टू टेक डिसीजंस। यहाँ पर लोग डिसीजंस नहीं ले पाते और एक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर एक्ट का मतलब ऐसा नहीं है, वैसे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता, नहीं समझ पाता कि क्या करना है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी प्रोसेस है, जैसे मान लो वो भूल जाता है कि मान लो शूज़ पहनना है तो सॉक्स पहले पहने कि शूज़ पहनने के बाद, ऐसा कुछ, या शर्ट की बटन लगाने भूल जाता है, इस तरह का।
तो वो एक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद में तो ये चार शब्द आपको पढ़ने चाहिए, अलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया और अबुलिया। ये ब्रेन के डिसफंक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग या एक्टिंग के डिसीजंस नहीं ले पाते। उसके बाद में शब्द देखेंगे आप, अबुलिया के नीचे एंटीसेप्टिक दिया हुआ है, तो सॉरी एंटीसेप्टिक अबुलिया के नीचे देखिए एंटीसेप्टिक वर्ड आया, तो एंटीसेप्टिक में दिया हुआ है मेडिसिन इज़ यूज्ड टू सेव प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम बीइंग रोटेन और डिकेइंग। तो एंटीसेप्टिक तो हम लोग सभी यूज़ करते हैं, ये एक तरह का मेडिसिन है। तो किसी भी जैसे स्किन के लिए एंटीसेप्टिक होता है, किसी कहीं पर जल जाए या कट जाए तो सभी हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो कि किसी भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, उसको सड़ने से या डिके होने से, उसका पतन होने से बचाती है, उसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। सभी लोग यूज़ करते हैं सोप के सेंस में, क्रीम के रूप में या ऑयल के रूप में, कई इसके फॉर्म्स हो सकते हैं एंटीसेप्टिक के, तो इजी है। उसके बाद में एनेस्थेटिक लिखा हुआ है, उसी के नीचे वर्ड है एनेस्थीजिया, जैसे होता है एनेस्थीजिया। जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं या बेहोश करते हैं तो उसको एनेस्थेटिक करते हैं, तो वही है एनेस्थेटिक। कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी व्यक्ति को ट्रैंकुलाइज लिखा हुआ है मैंने, और विनम्ब या हिप्नोटाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीजिया, जैसे इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले, उसको हिप्नोटाइज करना ज़रूरी है ताकि उसको ज़्यादा पेन या दर्द ना हो। उसके बाद में तो उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। एलर्जी एक वर्ड आया करता है, ये हमारे जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करेंगे, तो एलर्जी हो गया। तो एलर्जी देखते हैं, एलर्जी क्या है कि जब किसी भी चीज़ का खाने से या पीने से, पोर्टेबल हो या फूड हो या इंजेक्शंस या मेडिसिंस का हम यूज़ करते हैं और उनमें कोई नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसी चीज़ को हम एलर्जी बोलते हैं। एक्चुअली स्टेटमेंट सही आता है तो आपको सही वर्ड बोलना ज़रूरी है। तो एलर्जी हो गया साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी पे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस के नीचे एक वर्ड दिया है इन्फेक्शियस। दोनों शब्द को एक साथ देखेंगे, कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही हमारे एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। जैसे कि कॉन्टेजियस दिया है, डिसीज़ स्प्रेड्स थ्रू टच या कॉन्टैक्ट। तो जो बीमारियां छूने से फैलती हैं उनको हम कॉन्टेजियस बीमारियां बोलते हैं, और जो इन्फेक्शियस हैं वो वाटर या एयर के थ्रू फैलती हैं तो उनको हम इन्फेक्शियस बोलते हैं। तो छुआछूत की बीमारियां जो कॉन्टेजियस होती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वगैरह या कुष्ठ रोग जैसे हो गया, इस तरह का कॉन्टेजियस होता है। और इन्फेक्शियस जैसे एयर या वाटर से फैलता है, हैजा वगैरह जैसे हो गया इस तरह का, वो इन्फेक्शियस होता है। तो इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस में फ़र्क आना चाहिए, आपको एग्ज़ाम्स में काम आएगा। उसके बाद में तुरंत उसके नीचे आपको दो वर्ड और दे रहा है, कॉन्जेनिटल और हेरिडिटेरी है। कॉन्जेनिटल है और हेरिडिटेरी है, इसमें भी अंतर आपको पता होना चाहिए। कॉन्जेनिटल वो बीमारी है जो हमें जन्म से होती है, जैसे ये इसका मतलब ये है कि ये बीमारी आपके परिवार में पहले नहीं है, आपके जन्म होने पर आपको हुई तो वो कॉन्जेनिटल है, अ डिसीज सिंस बर्थ। और उसके बाद में दूसरा जो शब्द दिया है हेरिडिटेरी। हेरिडिटेरी बीमारियां होती हैं अनुवांशिक, जो अ डिसीज मैंने लिखा भी है, अ डिसीज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ऐसी बीमारी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फैलती है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटेरी, और जो किसी व्यक्ति को जन्म से होती है और वो पहले नहीं है उस परिवार में तो उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। ऐसा ठीक है, तो इसमें दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट शब्द लिखा है न्यूरोसिस। एक्चुअली न्यूरोसिस नर्वस सिस्टम से संबंधित है, तो जब नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको हम न्यूरोसिस बोलते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब में कभी कभार पूछे जाएंगे शब्द, तो वैसे जनरली ये वर्ड आता है। तो
न्यूरोसिस हो गया नर्वस डिसऑर्डर्स के, उसके बाद में नेक्स्ट जो सब दिया है पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी और डायग्नोसिस भी देखेंगे एक साथ। एक्चुअली मैंने ऐसा ही लिखा भी है ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिसीज़, बीमारियों का अध्ययन करना है आपको, तो पैथोलॉजी एक तरह की बुक होती है। हमारे यहाँ पर लोग कई बार लोग बोलते हैं पैथोलॉजी जा रहे हैं किसी भी चीज़ का चेकअप करवाने के लिए, हालांकि वो डायग्नोसिस होना चाहिए। तो जब हम डिसीज़ का स्टडी करते हैं तो वो पैथोलॉजी है, और जब हम डिसीज़ के कारणों का या कॉसेस का पता लगाना चाहते हैं, उनको डायग्नोस करना चाहते हैं, तभी वो डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोसिस का स्टेटमेंट थोड़ा सा फ़र्क है। स्टडी ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीजेस, बीमारियों के कारणों का अध्ययन करना है तो डायग्नोसिस होगा, और बीमारियों का अध्ययन करना है तो वो आपका पैथोलॉजी होगा। ये एक तरह की बुक्स होती है। डायग्नोसिस में आदमी को या जो भी उसके सैंपल्स को हम डायग्नोस करते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे मैंने दो वर्ड और दिए हैं, उनमें भी दोनों को फ़र्क आता होगा। सोमनम्बुलिज्म जैसे लिखा है या सोमनीलुक्विज्म, ये स्टेज होती है जैसे कोई व्यक्ति जब नींद में चलता है या नींद में है ना बात करता है, तो जो चलने के लिए शब्द है वो है आपका सोमनम्बुलिज्म। तो आ स्टेज इन विच समवन वॉक्स इन स्लीप, तो जब नींद में चलने की बीमारी है उस चीज़ को सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं। और नींद में जब आदमी बात करता है या बड़बड़ाता है तो उसको हम सोमनीलोक्विज्म बोलते हैं। या लोक्विज्म का मतलब लोकैसियस से है, लोकैसियस मतलब बातूनी, तो जो नींद में बात करता है वो सोमनीलोक्विज्म है, और जो नींद में चलता है वो सोमनम्बुलिज्म है। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ शब्द और भी आया करते हैं, जैसे कि मैंने इनवैलिड या डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आ स्टेज इन विच और एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी इज़ इनएक्टिव, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग इनएक्टिव है तो उसी चीज़ को लोग डिसेबल्ड बोलते हैं। अपंग कह सकते, सॉरी अपंग है या विकलांग है या हैंडीकैप्ड है, उसी चीज़ को बोला जाता है। तो इसके तीन शब्द याद रखिएगा, हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड और इनवैलिड। एक्चुअली लास्ट टाइम इनवैलिड वर्ड आया तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या है, तो इनवैलिड भी हम उसी को बोलते हैं। उसके बाद में पनेसिया एक शब्द है जो बहुत पुराना शब्द है, देख रहे हैं पनेसिया। तो पनेसिया जो शब्द है वो क्योर फॉर ऑल डिसीज या आ रेमेडी विच नेवर फेल्स, एक ऐसी दवा जो कभी की सब सभी डिसीजेज में काम आती है, तो उसको पनेसिया, रामबाण जिसको बोलते हैं। और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे इनफेलिबल, क्योंकि अब थोड़े से मॉडर्न एग्ज़ाम्स होने की वजह से वर्ड पनेसिया नहीं दिया जाता, तो इनफेलिबल वर्ड मिलेगा आपको, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज या आ रेमेडी विच नेवर फेल्स इज कॉल्ड अ इनफेलिबल, या इनफेलिबल वही है दैट विच कैन नॉट बी फेल्ड, ये है। उसके बाद में पनेसिया ईजी शब्द है, आपको पता होगा। उसके बाद में मैंने तीन शब्द लास्ट में लिखे हुए हैं, एंटीडॉट या एंटीटॉक्सिक या एंटीवेनम, ये एक्चुअली पॉइजन को इनकाउंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहर को मारने की दवा है, जैसे एंटीडॉट है एक्चुअली पॉइजन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा जहर जो केमिकल का यूज़ करके बनाया गया है उसको हम एंटी पॉइजन बोलते हैं, और पॉइजन को इनकाउंटर करने के लिए एंटीडॉट का यूज़ किया जाता है। सेम वैसे ही एंटीटॉक्सिक लिखा हुआ है, तो ये टॉक्सिकेशन जो बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम ख़त्म करने के लिए एंटीटॉक्सिक का यूज़ करते हैं, और एंटीवेनम का यूज़ करते हैं जैसे कि कोई एनिमल हो गया, जैसे सर स्नैक हो गया या लिजर्ड हो गया या बिच्छू भी हो सकता है, तो उसको उसके जो जहर को ख़त्म करने के लिए वेनम, एंटीवेनम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली वेनम जो होता है वो जानवरों में जो पॉइजन होता है उसको बोला जाता है, तो उसको इनकाउंटर करने के लिए एंटीवेनम, टॉक्सिकेशन को ख़त्म करने के लिए एंटीटॉक्सिक, और पॉइजन जो केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीडॉट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैंने आपको बताया जो कि डिसीज़ या मेलेडी या मेडिसिन से संबंधित है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। शायद आपके लिए बहुत मैंने अच्छी जानकारी दी दोस्तों, ये बहुत अच्छा वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, और बाकी का चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लगातार वीडियोस नहीं डाल पा रहा था अभी तक, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।